जैन धर्म के इस काल में प्रथम अरिहंत तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हैं, जो आदिम सभ्यता के आदि पुरुष होने के कारण आदिनाथ भी कहे जाते हैं। भगवान श्री ऋषभदेव ने सृष्टि के प्रारंभ में असी, मसी, कृषि एवं अपनी पुत्रियों ब्राह्मी तथा सुंदरी के द्वारा क्रमशः लिपि एवं गणित का आविष्कार कराया। भगवान श्री आदिनाथ के 100 पुत्रों में भरत एवं बाहुबली विश्वविख्यात हैं। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत कहलाया। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की स्तुति में सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री मानतुंग ने संस्कृत भाषा में 44 श्लोकों की आशु कविता के रूप में रचना की, जो भक्तामर स्तोत्र के रूप में सदियां व्यतीत होने के बावजूद पूरे जैन समाज में लोकप्रिय है। इस कालजयी स्तोत्र की मधुर ललित शब्दावली में जैन दर्शन का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक भाव और भक्ति रस की पावन धारा है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भक्तामर का नियमित पाठ कर अभीष्ट प्राप्ति का आनंद पाते हैं। कहा जाता है कि अवंती नगर के राजा वृद्ध भोज ने श्री मानतुंगाचार्य को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़कर कारागार में कैद कर बाहर ताले लगा दिए एवं पहरेदार नियुक्त कर आदेश दिया कि यदि तुम्हारे इष्ट देव में शक्ति है तो तुम बाहर निकल आओ। श्री मानतुंगाचार्य ने 3 दिनों तक ध्यानस्थ रहकर 4th दिन आशु काव्य के रूप में संस्कृत श्लोकों द्वारा श्री ऋषभदेव की स्तुति प्रारंभ की। प्रत्येक श्लोक के साथ बंधन टूटने लगे एवं 42वां श्लोक उच्चारण करते ही सभी बंधन टूट गए। राजा वृद्धभोज इस चमत्कार से आचार्य श्री एवं भगवान श्री ऋषभदेव का परम भक्त बन गया। सचमुच भक्ति और श्रद्धा में अपूर्व शक्ति होती है। शुद्ध पवित्र हृदय द्वारा समर्पण भावना से की गई प्रार्थना सदा फलदायक होती है। भगवान ऋषभदेव के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां
प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दैदीप्यमान हो जाती है। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का आलंबन सहारा लेता है वो संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके मैं स्तुति करता हूं। यह संपूर्ण वांग्मय संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोक के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेंद्र की मैं मानतुंग आचार्य और मैं अल्प बुद्धि वाला सामान्य व्यक्ति भी स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूं। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम अन्य क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम। हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित बिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या ये मेरी धृष्टता नहीं है? वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतां कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांतकाल पवनो हे गुण समुद्र जिनेश्वर, क्या चंद्रमा के समान स्वच्छ आनंद रूप एवं आह्लाददायक आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में देव गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी समर्थ हो सकता है? नहीं। भला प्रलय काल के तूफानी पवन से उछाल मारते भयानक मगरमच्छ आदि से क्षुब्ध महासागर को कोई मानव अपनी भुजाओं से तैरकर पार कर सकता है? नहीं। सोहं तथापि तव भक्ति वशांकुनीश कर्तुं स्थवं विगत शक्तिरपि हे मुनि जनों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वश हुआ मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। सभी जानते हैं कि हरिणी कितनी ही दुर्बल क्यों न हो, किंतु अपने छोने अपने शिशु की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वश हुई
आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है। इसी प्रकार मैं भी भक्तिवश हुआ अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा हूं। अल्पाश्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम् यत्को किल किल मधुं मधुरं विरति तच्चाप्रचारु कनिकानि करैत हेतु। हे प्रभो, जिस प्रकार बसंत ऋतु में आम की मंजरियां खाकर कोकिल मधुर स्वर में कूजती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति का बल पाकर मैं भी स्तुति करने को वाचाल हो रहा हूं। अन्यथा मैं तो अल्पज्ञ हूं और विद्वानों के सामने उपहास का पात्र हूं। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भंवरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव, आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म तत्क्षण नष्ट होने लगते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु। जिस प्रकार कमलिनी के पत्तों पर पड़ी नन्ही नन्ही ओस की बूंदें मोती के समान चमकने लगती हैं, उसी प्रकार हे नाथ, मुझे अल्प बुद्धि द्वारा रचित ये स्तोत्र अवश्य ही आपके दिव्य प्रभाव के कारण सज्जनों के मन को आनंदित करेगा। जिस प्रकार अरुणोदय के समय सहस्र रश्मि सूर्य तो बहुत दूर रहता है, किंतु उसकी कोमल प्रभा का स्पर्श किरणों का प्रकाश ही सरोवर में मुरझाए अलसाए कमलों को विकसित कर देता है, उसी प्रकार हे जिनेश्वर देव, समस्त दोषों समस्त पापों का नाश करने वाले आपके स्तोत्र की असीम शक्ति का तो कहना ही क्या, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया गया आपका नाम उच्चारण भी जगत जीवों के पापों का नाश कर उन्हें पवित्र बना देता है। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भवतो ननु
जगदीश्वर, हे भुवन भूषण, आपके क्षमा, सत्य, शील आदि अनेक गुणों की तन्मयता पूर्वक स्तुति करता हुआ मानव जीवन में उन गुणों को धारण कर आपके समान ही महान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो उदार चित्त स्वामी होता है वो अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को अपने समान ही सुखी समृद्ध बनाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। अन्यथा उस स्वामी की सेवा से लाभ ही क्या है जो आश्रित को अपने समान समृद्ध न बनाए। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छे। प्रभो, आपका अलौकिक सौंदर्य अपलक देखने योग्य है। आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद न तो पलक झपकाने का मन होता है और न ही आंखें अन्य किसी को देखकर संतुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक ही है कि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल पीना कौन चाहेगा, कोई भी नहीं। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथ्वी यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। हे त्रिलोकीनाथ, जिन शांत सुंदर मनोहर परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है वे शुभ परमाणु संसार में उतने ही थे, क्योंकि समूचे संसार में आपके समान अन्य कोई दूसरा अलौकिक रूप ही मुझे दिखाई नहीं देता है। वक्रं क्वते सुरनरोरगने प्रहारे निःशेष निर्जित जगत्त्रितयो भमानं बिम्बं कलंकमलिनं क्वनिशा यद्वासने भवति पाटु पराशकल्पम्। आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, परंतु मुझे ये उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को आनंदित करने वाला प्रकाशमान आपका उज्जवल मुख कहां, और दिन में काले धब्बों वाला मलिन ढाक पलाश के पीले पड़े पत्तों की भांति निस्तेज दिखाई देने वाला चंद्रबिंब कहां। सचमुच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है। हे जगदीश्वर, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं ज्योत्सना के समान आपके अनंत ज्ञान दर्शन आदि निर्मल गुण तीन लोक में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात तीन लोक में सर्वत्र आपके गुण गाए जाते हैं।
ये ठीक ही है, भला आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पाने वालों को इच्छानुसार विचरने में कौन रोक सकता है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदा। हे वीतराग, स्वर्ग की अप्सराओं ने अपने हाव भाव विलास द्वारा आपके चित्त को चंचल बनाने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी आपका विरक्त मन किंचित भी विचलित नहीं हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सामान्य पर्वतों को हिला देने वाला प्रलय काल का प्रचंड पवन क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को भी कंपित कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपो परत्स्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। हे नाथ, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले आप एक ऐसे अलौकिक दीपक हैं जिसको न बाती की जरूरत है, न तेल की, और न ही उससे धुआं निकलता है। विशाल पर्वतों को कंपा देने वाला झंझावात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे मुनींद्र, आप सूर्य से भी विलक्षण महिमाशाली हैं। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, अस्त होता है, किंतु आपका ज्ञान सूर्य तो सदा ही आलोकित रहता है, कभी अस्त नहीं होता। सूर्य को राहु ग्रस लेता है, किंतु आप निर्विकार व अनंत रिद्धि संपन्न हैं, अतः संसार की कोई भी वासना या इच्छा आपको ग्रस्त नहीं कर सकती। सूर्य धीरे धीरे कुछ सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, किंतु आपका केवल ज्ञान संपूर्ण प्रकाश जगत को एक ही साथ प्रकाशित करता है। सूर्य को सामान्य बादल भी ढक देते हैं, किंतु आपके महाप्रभाव को कोई भी शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। हे भगवान, आपका मुख कमल एक अद्भुत चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा तो केवल रात्रि में चमकता है और वो भी सिर्फ शुक्ल पक्ष में, किंतु आपका मुख चंद्र तो सदा ही प्रकाशमान रहता है। चंद्रमा सिर्फ सीमित क्षेत्र का अंधकार दूर करता है, आपका मुख चंद्र समस्त जगत का अज्ञान मोह रूप अंधकार नष्ट करता है। चंद्रमा को कभी राहु ग्रस लेता है, कभी बादल ढक लेते हैं,
किंतु आपके मुख चंद्र को कोई भी शक्ति आच्छादित नहीं कर सकती। चंद्रमा की कांति बहुत अल्प है, परंतु आपके मुख चंद्र की कांति अनंत और संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाली है। इसलिए आपका मुख एक अपूर्व चंद्र है। किं शर्वरेषु शशिनाहि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं हे विश्वनाथ, जब आपका मुख चंद्र अंधकार का नाश कर समग्र विश्व को प्रकाशित कर रहा है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा की तथा दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता रह जाती है? भला जब खेतों में धान पक चुका है, तो फिर जल से भरे बिजली चमकते मेघों की क्या उपयोगिता है? अर्थात आप सूर्य चंद्र से भी अधिक प्रकाश युक्त हैं। ज्ञानम् यथात्वयि विभाति कृतावकाशम् नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्तु मन्मणिषु याति यथावहत्वम् नैव तु काचशतले हे भगवान, जैसा निर्मल निर्बाध संपूर्ण आत्मज्ञान आप में उद्भासित है, वैसा ज्ञान जगत में किसी अन्य देव में नहीं देखा जाता। भला जो अद्भुत कांति और प्रकाश बहुमूल्य मणियों में होता है, वैसी चमक सूर्य किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में कैसे संभव है? हे स्वामी, मैंने आपके दर्शन करने से पहले हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया, ये अच्छा ही किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपकी वीतराग मुद्रा के प्रति हृदय श्रद्धा से पूर्ण संतुष्ट हो गया है। किंतु आपको देखने के बाद मेरा मन जन्मांतर में भी अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकता, अर्थात संसार में आपसे बढ़कर परम शांति मूर्ति वितराग देव अन्य कोई नहीं है, आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रां नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूतां सर्वा जनयति। जिस प्रकार सभी दिशाएं असंख्य तारों नक्षत्रों को धारण करती हैं, परंतु अद्भुत प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है, उसी प्रकार संसार में अनेकों स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आपके समान महाप्रतापी पुत्र रत्न को तो सिर्फ एक ही माता ने जन्म दिया, अर्थात अन्य कोई दूसरा आपके समान नहीं है। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव
सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे मुनियों के आराध्य, सभी मुनिजन आपको तेजोमय परम पुरुष मानते हैं। आप राग द्वेष के मल से रहित हो, अज्ञान अंधकार से सर्वथा दूर हो। आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग को जान समझकर अनुगमन कर अंतःकरण की शुद्धि होने पर साधक आपके दर्शन करके मृत्यु को अर्थात साक्षात यमराज को भी पराजित कर देते हैं। प्रभु, आपकी भक्ति ही शिव अर्थात मुक्ति का मंगल मार्ग है। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताः। हे प्रभो, संसार के सभी संत और भक्त आपके विभिन्न स्वरूपों की स्तुति करते हैं। जैसे आप अव्यय अविनाशी हैं, आप विभु ज्ञान दृष्टि से सर्वव्यापक हैं, अचिंत्य हैं मन की चिंतन धारा से भी परे हैं, असंख्य हैं आपके गुणों की गणना नहीं हो पाती। आप आदि पुरुष हैं, धर्म की आदि करने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं, शाश्वत आनंदमय हैं, ईश्वर हैं, आत्म ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप अनंत हैं, आपके ज्ञान दर्शन आदि गुणों का पार नहीं है। आप अनंग केतु हैं, काम का नाश करने के लिए धूम केतु के समान हैं। आप योगीश्वर हैं, योगियों के भी आराध्य हैं। विदित योग है, योग मार्ग के संपूर्ण ज्ञाता है, अनेक हैं, भक्तों के हृदय में नाना रूप में विराजमान है, एक है, अद्वितीय है। आप ज्ञानमय हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। आप अमल हैं, काम क्रोध आदि विकारों से रहित हैं। शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे देवों द्वारा पूज्य, आप में बुद्धि का ज्ञान का पूर्ण रूप में विकास हुआ है, अतः आप ही बुद्ध हैं। तीन लोक के जीवों का शंग कल्याण करने वाले होने से शंकर भी आप हैं। रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की विधि के विधाता उपदेष्टा होने से आप ही ब्रह्मा हैं। संसार के समस्त भक्तों के मन में व्यक्त प्रकट होने से आप ही व्यक्त विष्णु का रूप हैं, और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भी आप ही हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनाधिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे नाथ, आप तीन लोक के कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप भूमंडल के निर्मल भूषण हैं। आप
तीन लोकों के परमेश्वर है और जन्म जरा मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार पहुंचाने वाले आप ही हैं। अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। को विस्मयोत्रय दिनाम गुणैरशेष त्वं संश्रितो निरवकाश दया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरे बिन कदाचित पीक्षितोसि। हे मुनीश्वर, संसार में जितने सद्गुण हैं, वे सभी आप में आश्रय पा चुके हैं, अतएव आप में दोषों को बिल्कुल स्थान नहीं मिला। इस कारण वे दुर्गुण दूसरी जगह चले गए। दूसरे व्यक्तियों ने उन दुर्गुणों को दृढ़ता से अपना लिया, अतः वे मिथ्या गर्व से गदराए हुए पुनः लौटकर कभी भी आपकी ओर नहीं आए। अर्थात संसार के समस्त सद्गुण आप में विद्यमान हैं, तथा जो आपसे विमुख हैं, वे आसुरी वृत्तियों के कारण सभी दुर्गुणों के केंद्र बन गए हैं। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूखम् आभाति किरणमस्ततमोवितानम् बिंबम् रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। जिस प्रकार सघन बादलों के बीच में चमकती हुई किरणों से अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्य मंडल शोभित होता है, उसी प्रकार हे प्रभो, समवसरण में अशोक वृक्ष के नीचे विराजित आपकी निर्मल देह से निसृत चमकती हुई किरणें ऊपर की ओर जाती हैं, तब आपका रूप अतीव भव्य प्रतीत होता है। अर्थात शरीर की स्वर्ण प्रभा अशोक वृक्ष के नीले पत्तों पर गिरने से रंगों की एक अतीव मनोहर छटासी खिल जाती है। जिस प्रकार ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर उदित होता हुआ सूर्य चारों ओर फैली हुई स्वर्ण वर्णी किरणों से आकाश में सुशोभित होता है, हे भगवन, उसी प्रकार मणियों की रंग बिरंगी किरणों से दीपित ऊंचे सिंहासन पर आसीन आपका सुवर्ण के समान देदीप्यमान स्वच्छ शरीर अतीव प्रभास्वर और मनोहारी लगता है। शशांक शुचि निर्झर वारिभारम् उच्चैस्फटं सुरगिरिरिव शातकोम्भम्। हे प्रभो, आपकी स्वर्ण समान आभा वाली देह के दोनों ओर कुंद पुष्प के समान अत्यंत उज्ज्वल दोलायमान चमर देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो स्वर्ण गिरी सुमेरु के दोनों शिखरों से चंद्र किरणों के समान उज्ज्वल निर्मल जल के निर्झर बहते आ रहे हों। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम् उच्चैः स्थित
स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वं। हे प्रभु, आपके मस्तक पर तीन छत्र शोभित होते हैं। ये छत्र चंद्रमा की भांति सौम्य शुभ्र मोतियों की झालर से शोभा पा रहे हैं। इन छत्रों ने प्रचंड सूर्य रश्मियों के आतप को रोक लिया है। वास्तव में ये तीनों छत्र आपकी तीन लोकव्यापी प्रभुता और परमेश्वरता के सूचक हैं। उन निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखा विराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पय। हे जिनेन्द्र देव, आपके चरण नव विकसित स्वर्ण कमल के समान कांति वाले हैं। उनके नखों से चारों ओर मनोहर किरणें फैल रही हैं। विहार करते समय जहां जहां आपके चरण कमल पड़ते हैं, वहां वहां पर भक्त देवगण सुवर्णमय कमलों की दिव्य रचना करते जाते हैं। यथा तव विभूतिरभूचिनेन्द्र धर्मोपदेशन विभु न तथा पुरस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहता हे जिनेन्द्र देव, धर्मोपदेश के समय आपकी जैसी दिव्य विभूतियां होती हैं, वैसी अन्य देवों को कभी प्राप्त नहीं होती। ये ठीक भी तो है, अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी सामान्य रूप में चमकते हुए तारे नक्षत्र आदि की कैसे हो सकती है। हे प्रभु, आपका शरण लेने वाला भक्त सदा सर्वत्र अभय रहता है। ऐरावत के समान विशालकाय हाथी जिसके चंचल कपोलों पर मद झर झर कर बह रहा हो और मद पीने के लिए मंडराने वाले भौरों के नाद से जो अत्यंत क्रुद्ध होकर अंगारे सी लाल आंखें किए आक्रमण करने सामने आ रहा हो, वो मत गजराज भी जब आपके ध्यान में लीन भक्त को देखता है तो उसका समूचा मद शांत हो जाता है और आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लगता है। अर्थात आपके शरणागत को मदोन्मत्त गजों से भी कोई भय नहीं। गलदुज्ज्वल शोणिता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि नात्रामति क्रमयुगाचल संश्रितम् ते।
जिसने बड़े बड़े हाथियों के कुंभ स्थल को चीर कर रक्त की धारा बहा दी और जमीन पर रक्त रंजित उज्जवल गज मुक्ताओं का ढेर लगा दिया हो, ऐसा अत्यंत क्रुद्ध भयंकर सिंह भी, हे प्रभो, जब आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले भक्त को सामने देखता है तो शांत होकर उसके चरणों में बैठ जाता है, अर्थात आपका भक्त भयंकर सिंहों के भय से मुक्त रहता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वल्लीकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। भीषण दावानल जो प्रलयकालीन महावायु के समान प्रचंड वायु से प्रज्वलित हुआ आकाश में चिंगारियां फेंक रहा हो और जैसे अपनी ज्वालाओं से समूचे विश्व को भस्म कर देना चाहता हो, वो प्रचंड दावानल भी, हे प्रभो, आपके नाम स्मरण रूपी जल धारा से क्षण भर में ही शांत हो जाता है, अर्थात आपका भक्त अग्नि भय से मुक्त रहता है। रक्ते क्षणं समदतु किल कंठ नीलं क्रोधोधतं फणिनं उत्पणमापतन्तं आक्रामति क्रमयुगे निरस्त शंकः हे प्रभो। भयंकर काला नाग जिसकी आंखें लाल मणि सी चमक रही हों, समूचा शरीर कोकिल के कंठ की भांति गहरा काला डरावना हो, जो क्रोधोन्मत्त होकर ऊंचा फन किए फुंकाता आ रहा हो, आपका भक्त जिसके पास आपके नाम स्मरण रूपी नाग दमनी जड़ी विद्यमान है, उस क्रुद्ध नाग को भी निशंक निर्भय होकर पुष्पमाला की भांति लांग जाता है, अर्थात आपका भक्त सदा सर्प भय से मुक्त रहता है। हे प्रभो, जिस रण क्षेत्र में शत्रु पक्ष के घोड़े हिन हिना रहे हों, हाथी चिंघाड़ रहे हों, सैनिक दारुण कोलाहल कर रहे हों, ऐसे बलवान शत्रु राजा की सेना भी आपका नामोच्चारण होते ही यूं भाग खड़ी होती है जो सूर्योदय होने पर अंधकार, अर्थात आपका नाम लेने पर भक्त शत्रु भय से भी मुक्त हो जाता है। गावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। हे जिनेन्द्र देव, जिस युद्ध भूमि में भालों की नोक से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हों तथा उस भीषण रक्त प्रवाह को पार करने में बड़े बड़े योद्धा भी असमर्थ हो गए हों, ऐसे भयानक युद्ध में
आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले भक्तगण शत्रु पक्ष को जीत कर विजय ध्वजा फहराते हैं, अर्थात आपका भक्त विजय श्री प्राप्त करता है। अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोन बाण वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवत स्मरणा जिस महासमुद्र में मगरमच्छ आदि भयानक जलचर उछाले मार रहे हो, वड़वानल पानी की आग की लपटें उठ रही हो, तूफानी हवाओं से ऊंची ऊंची लहरें उछल रही हो, ऐसे समुद्र में जिनका जहाज फंस गया हो, वे जब आपका स्मरण करते हैं तब सब विपदाओं से मुक्त हो सुखपूर्वक तट पर पहुंच जाते हैं, अर्थात आपका भक्त जल भय से मुक्त हो जाता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशामुख गताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ग हे भगवान, जो व्यक्ति जलोदर आदि दारुण रोगों से पीड़ित हैं, मूल्यवान औषधियां लेते रहने पर भी बड़ी गंभीर शोचनीय दशा में पहुंच गए हैं, घर वालों को उनके जीने की आशा भी नहीं है, ऐसे रोगग्रस्त निराश पुरुष जब आपके चरण कमल की धूल को शरीर पर लगाते हैं तो वे स्वस्थ निरोग होकर कामदेव के समान सुंदर दिखने लगते हैं। आपाद कंठ मुरु शंखल देश की तांगा गाढ़ं ब्रहन निदड़ कोटि निगृष्ट जंघा त्वन नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरण स्वयं विगत बंध भयाभवन्ति। जो पैरों से लेकर गले तक मोटी सांकलों में बंधे हुए हैं, बेड़ियों की रगड़ से जिनकी जांग लहूलुहान हो गई है, ऐसे कठोर कारागार में बंधे व्यक्ति भी भगवान आपके नाम का अनवरत स्मरण करने पर बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक आपके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो मदोन्मत्त हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, विषधर नाग, भयानक युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारागार, इन आठ प्रकार के भयों से सदा मुक्त रहता है। भय स्वयं ही उससे डर कर दूर चला जाता है। स्तोत्रस्वजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा
पुष्पा धते जनो यैह कंठ गता जस्रं तं मारतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तं हे जिनेंद्र, मैंने भक्ति भाव से आपके गुणों की ये स्तोत्र माला रची है, जो मनोहर वर्ण शब्द रूप बहुरंगी भावों पुष्पों से युक्त है। जो भक्त जन आपकी भक्ति में लीन होकर इस स्तोत्र माला को कंठ में धारण करेगा, अर्थात इसे कंठस्थ कर निरंतर पाठ करता रहेगा, वो जगत के ऊंचे से ऊंचे सम्मान को प्राप्त होगा तथा समृद्धि स्वर्ग मोक्ष रूप लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास चली आएगी।